शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये वही आदमी है जिसने विकी सर को मारा था। तू क्यों नहीं बोल देता विकी भाई साहब को कि तू सपना से प्यार करता, उससे शादी करना चाहता है? क्योंकि नहीं बोल सकता मैं। बोला ना, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं फुटपाथ पे सोऊंगा, प्लेटफॉर्म पे सोऊंगा। क्या बात है माँ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? इन चार दिनों में ऐसा अजीब सा लगाव हो गया उस लड़की के साथ, अब सब कुछ सूना सूना लग रहा है। हाँ, उसे गए हुए बस थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जमाने से उसे देखा नहीं। अगर हमेशा के लिए वो इस घर में आ जाए तो विकी के लिए इससे अच्छी लड़की मिल नहीं सकती। विकी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए बस। होगा, इस बार मैं उसे राजी करा के छोड़ूंगी। घर छोड़ दिया ना, अब जाओ, कल रिहर्सल में मिलेंगे, बाय। मामा, मुझे ऐसा लगता है मुझे तेरी भांजी से प्यार हो गया। क्या? और उसे? पता नहीं। देख, अगर उसने खिड़की खोलकर देखा, हाँ, तो इसका मतलब प्यार उधर भी है। और नहीं खोल के देखी तो? तो आज के बाद इस मोहल्ले में नजर नहीं आना, वो मेरी भांजी है, टांगे तोड़ दूंगा। क्या बात है। वैसे अगर उसने खिड़की खोलकर देखा तो खुशी मुझे भी होगी। क्या लगता है? खोलेगी, 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 खोलेगी। लगता है शहर में तुम्हें एक ही बेवकूफ मिला है, मैं। तुमको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि मैं तुमसे इलाज करवाता हूँ। आज तक मैंने तुम्हें किसी और पेशेंट के पास जाते हुए नहीं देखा। शराबत का जमाना नहीं रहा, 10 पेशेंट छोड़कर तुमको देखने आता हूँ। आधा घंटा हो गया, तूने एक कप चाय के लिए पूछा? उसकी क्या प्रॉब्लम है, चाय भी पिलवा देते। पिलवाइए। अरे नंदू, डॉक्टर साहब के लिए चाय ले आओ। मेरे पास नाश्ता है साहब। मुरारी, डॉक्टर साहब के लिए अच्छी चाय बना लाओ। मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं साहब। गोपी, मेरे हाथ में जूते हैं साहब। आखिर ये हो क्या रहा है, पूरा घर बिजी है, मेरी बात सुनने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं है। आखिर ये क्या खास बात है? कुछ तो गड़बड़ है। एक्टर तैयार हो रहा था नौटंकी पे जाने के। पाप्स, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? जी। तुमने मुझे नींद की गोली तो नहीं दी ना? नहीं। तो ये मैं जागते हुए सपना क्यों देख रहा हूँ? सपना, उसी की खातिर तुम ऑफिस जा रहा हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा। साहब, आपने इन्हें ओवरएक्टिंग गोली तो नहीं दी? आई डोंट थिंक सो। देखा, मेरा बेटा खुद ही ऑफिस जा रहा है। मैंने कहा था ना डैड, जिस दिन इसे जिम्मेदारी का एहसास होगा ये खुद ब खुद ऑफिस जाएगा। तू ऑफिस तो जा रहा है, लेकिन तू करेगा क्या वहां पर? तुझे काम तो आता नहीं। डैड, गधे के बच्चे को कोई लात मारना नहीं सिखाता। क्या बोला ये? डैड, ये कह रहा था कि वो मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। ओह यस डैड, यस, हे, दैट्स करेक्ट। भाई, एक माइंड ब्लोइंग चीज बतानी है आपको। दिल से काम करना। दिल ही तो लगाने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। ये क्या? हाय 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 हाय। प्रेम, तुम यहाँ ऑफिस में? आपको नौकरी पर किसने रखा मिस सपना? आप बॉस को नाम से बुलाती हो? बॉस को सर या आप करके बुलाओ। जी अच्छा। जी अच्छा नहीं, सॉरी सर। I'm sorry sir। तुम मेरे कैबिन में जल्दी आओ। जी, कैबिन में क्यों? कैबिन में क्यों? मिस सपना, दिस इज एन ऑफिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर डिक्टेट कराना है। कम इमीडिएटली। आइए और लिखिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। What? No what's, ifs and buts, okay? लिखिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, है? कभी कभी क्यों? रोज आना चाहिए। गलत है, दूसरा लिखिए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अरे प्यार का इजहार थोड़ी ना हुआ, ये ऐसा लगता है कोई कोर्ट में गवाही दे रहा है ना? सर, आखिर आप लिखवाना क्या चाहते हैं? मैं तो बस 3 सिंपल अल्फाज लिखवाना चाहता हूँ। I love you। ये लेकिन बड़ा नॉर्मल सा है, इसकी जगह कुछ हटके नहीं हो सकता है? I hate you। क्यों? ये क्यों नहीं लिखवाते? ये कैसे लिखूं? How bad? Oh, hi dad। And you are so sad। Oh, please hide the pad। अरे वाह, मेरा बेटा सचमुच ऑफिस में काम कर रहा है। अरे बेटी, बताओ तो सही, क्या काम कर रहा है?
इन्हीं से पूछ लीजिए। और कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर टाइप करा था। ऑफिशियल लेटर? मेरे बेटे का फर्स्ट ऑफिशियल लेटर? जरा पढ़ के बताओ। क्या फायदा डैड? क्यों? समझ में नहीं आएगा। चलो चलो पढ़ के बताओ। हाँ नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रिस्पेक्टेड सर, दिस इज द रिक्वेस्ट, प्लीज पे अस अ बैलेंस अमाउंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक और वी टेक यू टू कोर्ट। अरे बेटा, क्लाइंट के साथ ऐसे पेश नहीं आते। देखो डैड, आपके काम करने का स्टाइल और मेरे काम करने का स्टाइल में बहुत फर्क है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? Very good, very good. I like this attitude, my son. Very good. You'll go a long way, my son. Thank you, Dad. Dad, you're going the wrong way. Oh. शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे डैड से झूठ बोलते हुए? उन्हें सच्चाई बता देती तो उन्हें बहुत तकलीफ होती। तकलीफ होने दिया होता? वो समझते कि आप ऑफिस में काम करने आए हैं। मगर नहीं, आप तो ऑफिस को भी रंगमंच समझ के नाटक कर रहे हैं। देखो सपना और समझो। मैं सब समझती हूँ। इसका मतलब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी? Oh, come on, baby! नहीं प्रेम साहब, कहाँ और कहाँ मैं? वहाँ आप और यहाँ मैं। आप में और मुझ में बहुत फर्क है। हाँ तो आप क्या कह रही थी कि हम दोनों में बहुत फर्क है? अगर हाइट का फर्क है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कलर का फर्क है कि आप गोरी हैं और मैं थोड़ा सा काला हूँ, ये तो और भी अच्छी बात है। और अगर ये फर्क है कि आप लड़की हैं और मैं लड़का हूँ, ये तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये फर्क अखरता है कि आप गरीब हैं और मैं अमीर हूँ, तो इसे मैं अभी दूर कर देता हूँ। इतना इतना जी साहब। ये गाड़ी चाबी ओबराय साहब से बोलना कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है विकी, और विकी साहब से बोलना कि उनका कोई भाई नहीं है। समझा? चलो ये क्या कह रहे हो तुम? चलिए बस में चलिए। चलो मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़कर बस में चलने को तैयार हूँ, और तुम मेरे लिए बस छोड़कर गाड़ी में चलने को तैयार नहीं हो। ये तुम्हारा प्यार है? ओके। क्या ओके? चलो चलो ए, चलो गाड़ी चाबी दे। और सुन ओबराय साहब, विकी साहब से कुछ नहीं बोलना। जी सर। इधर से। अरे क्या ऊंची लॉजिक है, काश मैं अपनी लॉजिक की तरह ऊंचा होता। अरे चलो। क्या हुआ? आउच, एक्टिंग कर रही थी। प्रेम, मैं तो मामा मामी के यहाँ ये सोचकर आई थी कि मुंबई में मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन तुम मिल जाओगे। तुम ये सोच रही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? देखो मैं तो एक्टिंग कर रहा था। उस दिन फार्म पे कहा था ना आई लव यू, ये भी एक्टिंग ही है। आई डिडंट नो यू गोना टेक इट सो सीरियसली। अपने घर वालों से शादी की बात करो। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले मेरे बड़े भाई की शादी हो जाना, और जैसे उनकी शादी हुई मैं कह दूंगा कि अपनी भी लड़की तैयार है। अच्छा चलो। वो आदमी, वो देखो मारूंगा। एक मुझसे शादी की बात करते हो, दूसरे आदमी को देखती हो? अरे बाबा वो बात नहीं है, ये वो ही आदमी है जिसने विकी सर को मारा था। देखिए कहाँ जाता है। हेलो ब्रदर। अरे हफ्ते दो हफ्ते में गाड़ी ठीक करवाने आ जाता है, तू नई गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता? अब क्या बताऊँ यार, जब से नौकरी गई है ना साला, पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है, तू गाड़ी खरीदने की बात कर रहा है? चलना यार, गाड़ी चेक करवाना। अरे पांगे देख गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। इंजन में बहुत कचरा है, लगता है एक एक नट बोल्ट खोलकर साफ करना पड़ेगा। बिग ब्रदर, इसका शीशा तो टूटा है और इसका पत्रा भी बैंड है, अब क्या क्या ठीक करेंगे हम दोनों? गाड़ियां बहुत है लेकिन मैकेनिक सिर्फ दो। घबराओ मत, आधी गाड़ियां ये ठीक करेगा, आधी मैं। गुड आइडिया।
वैसे इश्क में भूख प्यास तो लगती नहीं, लेकिन फिर भी टाइम पास के लिए आप लोग कुछ लेना चाहेंगे? जो आपके दिल में आए आप खिला दीजिए। आप क्या लेंगी मैडम? वेज क्लब सैंडविच। और सर आप? हॉट कॉफी। फायदा नहीं सर। क्यों सर? रखे रखे ठंडी हो जाएगी सर। तो फिर कोल्ड कॉफी पिला दीजिए। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। बाथरूम किधर है? टू द लेफ्ट सर। एक्सक्यूज मी मैम, मैं जरा बाथरूम हो आया। ओके। अरे सपना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली। आओ बैठो बैठो। हियर योर मैडम एंड सर। एक कॉफी ले आना। ये आप ले लीजिए। नहीं ये इन्हें दीजिए, एक और ले आना। यस सर। ये लो आप लीजिए ना। नहीं भाई। ओके। अरे भाई। अरे नाटू। इधर कैसे? ऐसे ही। और ये तो वही हटेली है ना? ओ हो 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 हो, ऑफिस के टाइमिंग के अंदर कॉफी शॉप में प्रेम। क्या बात कर रहा है? अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद पूरी दुनिया बात करेगी। चलो दादी माँ की इच्छा तो पूरी हो गई। चुप बैठना। क्यों? तेरी गलत फहमी है। गलत फहमी? कॉफी सैंडविच गलत फहमी? ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? पक्का। 100%? 100%। झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। अरे बाय बाय। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलो चलो बाय। अरे तुम इधर आओ ना यार। सर वो हैंडसम नौजवान कौन है? वो मेरा बड़ा भाई है। ओ मेरा सब कुछ है। और वो लेडी? उसकी भाभी। मुझे तो उसकी कम आपकी ज्यादा लगती है। क्या? परफेक्ट कपल। अरे आप लोग अभी तक सोए नहीं? जवान बेटा जागता रहे तो हमें कैसे नींद आएगी? बेटा जितनी जिंदगी एक इंसान जीता है उतनी तो मैंने जी ली। अब कहीं ऐसा ना हो कि तेरा सेहरा देखने से क्या पहले बात कर रही हैं आप दादी? आप मेरा सेहरा क्या, मेरे बच्चों का भी सेहरा देखेंगी? थोड़ा इंतजार करो ना। अरे इंतजार में इतने साल ना बीत जाए कि तेरी दादी की उम्र ही कम पड़ जाए। हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। क्या? कौन सी लड़की? सपना। सपना? हाँ। सपना नहीं। क्यों, क्या कमी है सपना में? हाँ, फार्म हाउस में तेरा कितना ख्याल रखा था, हमारा दिल जीता था। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू यही रहेगी। मुझे सोचना पड़ेगा। अरे तू सोचता रहे। हमने तो सोच लिया है इस घर में बहू यही आएगी। बहुत बार सुना है किरो सेक्रेटरी को देख के बॉस को प्यार हो जाता है। आज मैं भाई को बता ही दूंगा कि सपना तुम्हारी भाभी है। उसकी तरफ देखना भी नहीं, वो तुम्हारे भाई का प्यार है, तुम्हारे भाई की लाइफ है, तुम्हारे भाई की वाइफ है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उससे। अरे भाई। क्या हुआ नाटू, गाड़ी खराब हो गई? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो बोल। ऐसे? ओके यही बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ता हूँ ना, आओ बैठो। आज पहली बार मेरा भाई मेरे गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठेगा। चलो मेरे भाई। हाँ बोल। ये बात सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। एक मिनट एक मिनट। हाँ सूरी। सर आपने जो पेपर बोला। हाँ वो डायमंड कंपनी के पेपर्स रेडी रखना। ओके। हाँ आपका फोन तो नहीं आ गया ना? नहीं बिल्कुल। अच्छा बचपन से लेके आज तक हम लोग दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी चीज मैं आपसे छुपा रहा हूँ वो बोल दूँ। क्या है कि मैं? तू कुछ छुपा रहा है? अरे नहीं वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अरे ये सूरी करो। अरे एक मिनट यार। अरे हाँ सूरी। अरे नाटू एक मिनट। हाँ सूरी। कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रेडी? क्या अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तुमने? अरे कल बोल दिया था ना। अच्छा लिखो लिखो जल्दी। 8 साल से हमारी कंपनी तुम्हारे साथ काम कर रही है। इस बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने से पहले मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? अगर वर्क डेज ज्यादा होंगे तो पेमेंट क्या होगा? अगर वर्क डेज कम होंगे तो पेमेंट क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट रेडी नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। ओके जी,
हाँ बाकी चीजें मैं मीटिंग में डिस्कस करूंगा, मैं ऊपर आ रहा हूँ। ओके। अरे 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 जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? बात तो हुई नहीं ना। अरे नाटू तू काम नहीं करता, मुझे तो काम करने दे। आज रात को घर पे बात करते हैं। ओके ऊपर वाला पता नहीं क्यों कर रहा है, रात को तो बोल ही दूंगा। अरे I'm sorry, sir. नहीं गलती मेरी थी, मुझे देखकर चलना चाहिए। नहीं सर, मुझे देखकर चलना चाहिए, ये ऑफिस है, कोई जॉगिंग ग्राउंड तो नहीं। मैं तो ऐसे टहल रहा था जैसे ड्राइंग रूम में। थैंक यू। जब मैं नई नई आई थी मैं आपसे बहुत डरती थी। और अब? डरती नहीं हूँ, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। चलिए चलो। सपना? हाँ। सपना नहीं, क्यों, क्या कमी है सपना में? हाँ, फार्म हाउस में तेरा कितना ख्याल रखा था, हमारा दिल जीता था, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हमारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू यही रहेगी। यस ओके ऑफ कोर्स आई विल इन्फॉर्म यू। हाँ हेलो। हेलो। अरे तुम अभी तक निकली नहीं? सर अभी तक ऑफिस में है इसीलिए लेट हो गए। लेट नहीं, काफी लेट हुई हो, और तुम्हारे काफी लेट होने के चक्कर में मैंने पता नहीं कितनी काफी पी ली है। सो स्वीट। बस मैं अभी आई। बस नहीं, टैक्सी में आओ। टैक्सी पकड़ जल्दी आओ ना प्लीज। आई लव यू सो मच। यू अच्छा बाबा बाय। किसका फोन था? वो मामा जी का। लेट हो गई ना इसीलिए उन्होंने फोन किया। अच्छा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं टैक्सी पकड़ के जाऊंगी। ओके मेरे होते हुए तुम टैक्सी में जाओगी, अच्छा लगेगा। नहीं चलो मैं छोड़ देता हूँ। ओके सर। मैं बैग भूल गई। आई एम सॉरी सर, मैं जल्दी लाती हूँ। एक मिनट। चले वो इंतजार कर रहा होगा। कौन? जी वो आपके घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना। अरे आधा घंटा लेट पहुंचूंगा और क्या। रुकिए रुकिए। क्या हुआ? मैं यहीं से टैक्सी पकड़ के चली जाऊंगी, आपका भी टाइम बच जाएगा। अरे तुम्हें मेरे टाइम की क्या फिक्र है? हाँ परेशान हो रहा होगा। कौन? वो आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं? अरे तुम्हें घर छोड़ने में क्या परेशानी है? हाँ ठीक है। अरे मिस्टर गुलाम अली गजल नाइट खत्म हो चुकी है, लोग जा चुके हैं, रेस्टोरेंट बंद करना है। जब तक ये मोमबत्ती नहीं बुझेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सर प्लीज। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम सर। मैं चलूं? चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा, विकी बाबा। विकी साहब के लिए एक चाय लेके आओ। जी दादी माँ कहाँ है? माँ दादी माँ कहाँ है? दादी माँ वहाँ। अरे आज विकी बाबू को क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया विकी साहब। हाँ यार दादी क्या मांग रही हो भगवान से? आज तक भगवान से जो भी कुछ मांगा है उसने हमेशा दिया है, पता नहीं ये बहू का अरमान कब पूरा करेगा। दादी जब तेरा कहा भगवान नहीं टाल सकता तो मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं तो इंसान हूँ ना। तेरा मतलब है? हाँ। अरे अरे नंदू मुरारी, अरे जल्दी आओ, बलराज प्रेम को बुलाओ, मेरी विकी ने हाँ कर दी है।
क्या दादी माँ? कब से तेरा इंतजार हो रहा है? आज मैं ऐसी खबर सुनाऊंगा तू खुशी से पागल हो जाएगा। ऐसी क्या खबर लाया बापू? हाँ। ऐसी खबर है कि तू सोच भी नहीं सकता, तेरे भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या शादी के लिए हाँ कर दी? ओ बिग ब्रदर, भाईजान भाईजान, क्या कौन है वो लड़की? बता भी दूंगा दिखा भी दूंगा, अभी अभी कल, अभी अभी, अरे कल कल, अरे अभी अभी अभी, अरे कल कल कल, अभी कल कल ले, कल ले, कल ले, आज ही आज ही आज ही बताऊंगा, आज ही बताऊंगा यार, इतने साल ठहर गया है तो एक दिन और सही। अच्छा नाम तो बता दो यार। उसका नाम है तेरी भाभी। अरे ये नाम थोड़ी हुआ, ये तो रिश्ता हुआ यार। अरे तू भी ना यार, क्या भाभी का क्या नाम बताया था? क्या बताओ ना। अच्छा तू सो जा इधर, मैं कल बता दूं। ये रात भर जगाया, रास्ते भर सताया, अब तो बता दो कौन है। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो फिर दिखाओ ना। वो देख, कोई भी तो नहीं है। क्या यार, ठीक से देखना। ये तो सपना है। हाँ यही तो है वो। सुबह से आपको नाटक मिला था क्या? देख मैं मजाक नहीं कर रहा, यही है वो लड़की। तू खुश नहीं? अरे क्या बुराई है उसमें यार? अरे अच्छा ही क्या इसमें? आपकी चॉइस को हो क्या क्या भाई? इधर से देखो, इधर से देखो, देखी पैकेट दिखती है, हाइट देखो, मुझसे भी नाटी है, गिल्ली डंडी की जोड़ी लगेगी और लोग क्या बोलेंगे? बलराज जोबरा के बेटे ने एक मामूली स्टाफ से शादी कर ली। नहीं नहीं ये रिजेक्ट है भाई, कोई और ढूंढे। ओके नहीं यार, यार लोगों के लिए वो बुरी हो सकती है लेकिन मेरे लिए वो मेरी सब कुछ है यार। यही एक लड़की ने मेरे दिल में प्यार जगाया है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसके साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। प्रेम, I really love her. Then I love her too. Actually, भाई आपकी चॉइस बहुत कमाल है यार। अभी तो तू कह रहा था कि बकवास है। मजाक कर रहा था क्या? It's so nice to see you happy. अब जल्दी से शादी वादी कर लो, बच्चे अच्छे पैदा करो और मैं जरा भी आया। अरे कहाँ जा रहा है? आपकी सेटिंग हो गई ना? हो गई ना आपकी सेटिंग? मैं भी जरा अपनी फिटिंग करके आया। गुड मॉर्निंग। बाबा तबीयत पानी सब फर्स्ट क्लास। अरे अच्छा तू आ गया यार, मेरे दिल में ना कुछ भारी भारी सी फीलिंग हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं सोचा जाके भाई को सब कुछ साफ साफ बता दूं। तो उस वक्त क्यों नहीं बता दिया? कैसे बताता यार, देखा नहीं कितना खुश था मेरा भाई, तकलीफ नहीं होती उसे? तो अभी उसको तकलीफ नहीं होगी? अरे तू क्या चाहता है कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी अब मैं उसको अपनी भाभी बुलाऊं? बुलाना पड़ेगा। क्यों? अरे क्यों बुलाना पड़ेगा, मैं अपने भाई को जाके सब कुछ सच सच बता देने वाला हूँ। क्यों बताएगा तू सच सच? क्योंकि आज तक मैंने अपने भाई से कोई झूठ नहीं बोला है। एक्सक्यूज मी, अगर इस झूठ से तेरे भाई की जिंदगी बन सकती है तो तुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है बोल लूंगा, लेकिन जब भाई को पता चलेगा कि उन्होंने अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ शादी की है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनको कैसा लगेगा? उसको बताएगा कौन? ना तू बोलेगा ना सपना बताएगी। ठीक, जैसे भाई की शादी हो जाए मैं बंबई छोड़ के चले जाऊंगा। ए तेरे को जिधर जाना है तू जा, मैं भाई के साथ ही रहने वाला हूँ। अरे अगर तू नहीं आएगा तो मैं कैसे जाऊंगा यार? तब फिर तो रो क्यों रहा है?
5 मिनट रोने देना मुझको यार, हल्का हो जाऊंगा मैं यार। तू अपनी भाई की खुशी से खुश नहीं है? ये खुशी के आंसू, ये खुशी के आंसू है। तो फिर आंख से रो और मुंह से हंस। कैसे? ऐसे। ए, सिग्नल ऑन हो गया, लोग तुझे पागल समझेंगे, चल निकल यहाँ से। अरे जा रहा हूँ ना यार, और तू कभी मुझसे आके मिलना नहीं फिर से, और तू बुलाना भी नहीं। अरे नहीं नहीं बुलाऊंगा मैं, अपना भाई और अपनी भाभी बहुत खुश है। यही तो मैं चाहता हूँ, चल निकल जा। ए, अरे जा रहा ना यार, जा रहा। कोई किसी का दुखी नहीं समझता। सपना, क्योंकि पता क्या बात, पूना जा रहा हूँ, पनवेल में हूँ, यहाँ पे सिग्नल बहुत कम है। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, शादी। हाँ, दो दिन वापस आ रहा हूँ, दो दिन बाद फोन करता हूँ। ओके। अरे प्रेम आ गया, प्रेम कॉस्ट्यूम पहने रिहर्सल करते हैं, चलना यार। अरे इसको क्या हुआ? क्या बात है प्रेम, क्या हुआ? विक्की भाई को प्यार हो गया। विक्की भाई को एट लास्ट प्यार हो गया, प्यार हो गया, शादी करेगा, उसके बाद इस छोटे की शादी होगी और ये मेरी भांजी को लेकर चला जाएगा। जिस लड़की से विक्की भाई को प्यार हो गया है वो आपकी भांजी सपना है। क्या मजाक कर रही है? मजाक करना छोड़ो, कपड़े पहन ले। वैसे बड़ा घटिया मजाक था, आइंदा करना नहीं है। नहीं कर रहा यार मैं मजाक, ये कोई मजाक करने की बात है। विक्की भाई को सपना से प्यार हो गया, वो उससे शादी करना चाहते हैं। तू क्यों नहीं बोल देता विक्की भाई साहब को कि तू सपना से प्यार करता, उससे शादी करना चाहता है? क्योंकि नहीं बोल सकता मैं। मैं तो बोल सकता हूँ ना। नहीं बोलोगे तुम? मैं उसका मामा हूँ, फैसला करने का हक सिर्फ मेरा कि वो किसके साथ शादी करेगी, किसके साथ शादी नहीं करेगी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू और सपना एक दूसरे के साथ कितना प्यार करते हो। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं विक्की भाई से कितना प्यार करता हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जानते हो कि नहीं? देखो मामा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत नाटक किया, अब मेरे लिए नहीं, विक्की भैया की खुशी के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तुम सबकी मदद चाहिए होगी, प्लीज। ओके, कसम खाली मैंने, आज के बाद मैं नाटक डायरेक्ट करूंगा ही नहीं, खासतौर से प्रेम के साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या बात है मामा जी, क्या हुआ? ये साला प्रेम का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? पर हुआ क्या? वो हमारे ग्रुप में लड़की है ना सोनिया। हाँ? अरे तुम तो मिल चुके हो उससे। प्रेम का कहना है कि हर नाटक के अंदर उसे वो हीरोइन चाहिए, चाहे वो रोल उसको सूट करे ना करे। आप पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे प्रेम जी उसके साथ मस्ती मारे, ऐश कर रहे हैं, इसलिए मैं रिहर्सल छोड़कर आ गया। ये कैसे हो सकता है? प्रेम तो पूना में है। क्या? इधर गया है? पूना में, उसने खुद बोला है मुझे। पूना में? पूना वो अपने घर वालों के लिए गया है, उधर रिहर्सल हॉल में उसी लड़की के साथ। क्या बोलूं मैं। चलिए ले चलिए मुझे, कम ऑन। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना जल्दी पकड़ा जाऊंगा। तो ये था तुम्हारा पूना, तुम्हारा जरूरी काम। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम ये सब। देखो, तुमने मुझ पे भरोसा किया, तुम्हारी मिस्टेक। अगर तुम मुझ जैसे आदमी पे भरोसा करोगी तो धोखा तो खाओगी ना। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। अरे जैसे कि अब तक जीती आई हो। अरे 20 साल तक मैंने तुम्हें पाला था, अरे वैसे ही आगे की जिंदगी निकल जाएगी। ये डायलॉग बाजी मुझसे नहीं करना, मैं पैदाइशी एक्टर हूँ, डायलॉग बोलना मेरा पेशा है। अगर ये सब तुमको जमता है, अगर तुम ये सब झेल सकती हो, तो जैसे कि ये यहाँ पे नाच रही है, तुम यहाँ पे शुरू हो जाओ। दरब दरब दर धीरी दारा दरब दरब दर। कौन कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ 3 ही एक्टर है? ना अमिताभ बच्चन, ना दिलीप कुमार, सिर्फ प्रेम।
अरे वो लोग तो पर्दे पे एक्टिंग करते हैं। जिंदगी में ऐसी एक्टिंग को कर सकता है क्या? थैंक यू मामा। भाई मैं तो कहती हूँ आप कल ही बारात लेके आ जाओ, हमारी बच्ची के तो भाग ही खुल गए भाई। इतना बड़ा घर, वाह वाह, इतना अच्छा लड़का नसीब वालों को ही मिलता है ना भाई दादी माँ। फिर भी एक बार सपना से पूछ ले। अरे भाई उससे क्या पूछना, मैं जो हाँ कर रही हूँ। आप तो मुंह मीठा करो दादी माँ, लो मुंह मीठा करो। नहीं, 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 आप खाएं। अच्छा कोई बात नहीं, है तो मेरी ननंद की बेटी, पर मैंने उसको अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। पता नहीं वो विक्की को पसंद करेगी या नहीं। अरे आपने फार्म पर नहीं देखा कैसा ख्याल रख रही थी विक्की का? मैंने उसकी आंखों में विक्की के लिए प्यार देखा है दादी माँ। तो ठीक है, इतवार को विक्की का जन्मदिन है। हा? बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि इस मौके पर उसे उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा दूँ। तो सपना को लेकर यहाँ आ जाइए। हाँ अभी आ जाती हूँ, आप बोलो तो। नहीं नहीं नहीं, लो मुंह में। नहीं आप भी खाइए ना। खाओ भी। आप कहती है तो। प्रेम से प्यार करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता, मैं तुमको बताता कि प्रेम कैसा लड़का है। भाई मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अरे वक्त पर आंखें खुल गई इसकी, वरना भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते। हाँ अगर उस घर में कोई प्यार या शादी करने के लायक है तो वो विक्की है। लो कहने को सगे भाई, पर कितना फर्क है दोनों में है? एक देखो सीधा सच्चा कमाऊ पूत और दूसरा आवारा नौटंकी बाज। अरे भगवान की मर्जी थी कि उनके घर से रिश्ता आया तो विक्की का आया तेरे लिए। हाँ ये नहीं हो सकता, मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि तू प्रेम से प्यार करती है। अब वो जमाना थोड़ी रहा कि मर्दों की बेवफाई पर औरतें आंसू बहाती रहे। अरे प्रेम को देख, उसको क्या फर्क पड़ रहा, हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता रहा। अरे तू क्यों रो रही है, तू भी हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता। चल हम उनके जा रहे हैं तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए। ब्लैक वाला सूट पहना, सुंदर लगती है तू। नहीं माँ जी। अरे बेटा ये तो शगुन है। देखा कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। प्रभु जी ने मेरी सुन ली, मेरा बहू का अरमान पूरा हो गया। अब तू जल्दी से दुल्हन बनकर इस घर में आ जा, मेरे विक्की की जिंदगी में सारी खुशियां भर दे। सुनो जी, अब तो नाटक नौटंकी छोड़ दो, फिल्में बनाओ। अरे फाइनेंस तो ओबेरॉय जी कर देंगे, रिश्तेदारी जो हो गई है। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, बलराज ओबेरॉय प्रेजेंट्स। प्रेम का प्रेम क्या बनेगा फ्रेम। सुपर हिट। दिल खुश कर दिया तुमने। अरे नंदू मुरारी जल्दी से मिठाई लाओ, मेरी सपना बिटिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। Obviously हाँ कहेगी दादी, ना थोड़ी ना कहेगी। How silly of you, my brother is perfect। अरे मेरे भाई में कमी ही क्या है। और वैसे ही मेरे भाई ने एक बहुत पुण्य का काम किया है, एक मामूली सेक्रेटरी को मालकिन बनाया। क्या कह रहा है? अबे तेरी भाभी है। ओके सॉरी। अच्छा दादी माँ जरा हमारे बारे में तो सोचो ना। सोचेंगे सोचेंगे। कब सोचेंगे दादी माँ? अरे जल्दी सोचेंगे, तू देखता जा। ओके लो भाई मिठाई बेटा, सबका मुँह मीठा कराओ। सपना बेटी सबसे पहले अपने देवर का मुँह मीठा कराओ। I hope you don't mind, और एक बात याद रखो, सबसे पहले मेरे लिए मेरा भाई, बाकी सब कुछ। और मेरे लिए भी प्रेम तुम्हारे यहां भी नहीं है, कहां गया होगा? आ जाएंगे, लेकिन अब तक तो घर आ जाना चाहिए था उसे। सर आ जाएंगे। हाँ कहाँ गए होंगे, मुझे क्या मालूम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती, और जब तक तुम अपने भाई से अलग नहीं होते मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हो जाऊंगा यार, डोंट वरी, मैं शादी के बाद अलग हो जाऊंगा। शादी के बाद नहीं, शादी के पहले। कैसा भाई है यार, आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन टू यू ब्रदरहुड, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कम ऑन चीयर अप, या लेट्स प्ले द गेम। ओके तू क्या बोल रहा है यार, तू क्या बोल रहा, अपना भाई से अलग होएगा? और तुम भाई हुआ यू मिस्टर, दो मिनट बात करने देना यार। और तुम एक भाई को भाई से अलग कर रही हो, और अगर ये चाहती है कि तू अपना भाई को छोड़े तो ऐसी 100 लड़कियां कुर्बान अपने भाई पर। देखिए भाई साहब ये हमारे आपस का मामला है, प्लीज साइड में हो जाइए। भाई साहब चलो। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो,
मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हेलो, ये आपस का मामला नहीं है, ये भाई का मामला है, और भाई के मामले में कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करना। मेरा भी बड़ा भाई है, ओके? चलो कम ऑन। अरे अरे मांडोली कर रहा हूँ यार। अरे कम ऑन। क्या नाटक लगा रखा है? कौन से भाई की बात कर रहा है? चलो उठ, भाग दो यहाँ से। चलो उठ। हो गया ना नाटक करा, चल बस उठा के फेंक दो उसको बाहर। मेरा भाई किधर है? फेंक दो बाहर। तुम मेरा भाई आएगा तुम। हे नाटू, हे नाटू, तूने शराब पी है? पी थी। इन लोगों ने मार मार के सब उतार दी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तू बैठ, तू बैठ यहाँ, तू बैठ, तू बैठ, तू बैठ। मैं भी आता हूँ। हाँ, कम ऑन, कम ऑन, एवरीबॉडी रिलैक्स नाउ, एवरीथिंग इज नॉर्मल, स्टार्ट योर गेम। ए बॉलिंग वालों, अब देखो मेरा भाई कैसे बॉलिंग करेगा। किसने मारा मेरे भाई को? मैंने मारा। कौन है तू? अरे क्या बात होगी भाई साहब, कुछ गलती हो गई? क्या सोच के मारा मेरे भाई को? अरे मैं गलती होगी, माफ कर दे यार। गलती होगी। प्रेम, ए प्रेम, टू थ्री फोर फाइव नाइन। तूने शराब पी है? अभी घर जाके बात करेंगे ना। अरे इस हालत में घर ले जाऊं? दादी जी और डैडी क्या बोलेंगे? ओके, तो फिर मैं घर नहीं जाता, इधर ये फुटपाथ पर सो जाऊंगा। ए नाटू, अब नाटक बंद करो और घर चल। बोला ना मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं फुटपाथ पर सोऊंगा, प्लेटफॉर्म पे सोऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग होम विद यू, ओके? गुड नाइट, आई लव यू, गुड नाइट। व्हाट आप चाय? ए सुन, नींबू सोडा है क्या? यस सर। मेरे को कुछ उल्टी सी हो रही है। अब भाई, आई एम कैम। जानता है नाटू, तेरे पैदा होने के बाद मुझे किसी खिलौने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे लिए तू ही सब कुछ है। मेरा खिलौना, मेरा दोस्त, मेरा यार, लाड़ प्यार से पाला है तुझे। आई लव यू, आई लव यू। पता है कल तूने शराब पी थी? बाटली। कल मेरा मूड बन गया तो उसलिए। लेकिन इससे पहले तूने कभी मूड नहीं बनाया। देखो भाई, मुझे ऐसा लगा कि अगर कभी मुझे किसी शराबी का रोल करना पड़े, मुझे दारू पीना पड़े, तो मैंने दारू पी ली। देख प्रेम, कल रात नशे में मुझे ऐसा लगा कि तू मुझसे कुछ कहना चाहता। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बता ना। देखो भाई, शराब की बात सोबर में नहीं की जाती। ऐसा करता हूँ, मैं फिर तीन चार टिकाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हे नाटू, मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे नहीं, बोलना। देखो, बोल दूं? सपना, सपना, सपना भाई आ गई। अरे सपना, तुम ही समझाओ इसे, कल रात को इसने शराब पी थी। ये उनके लिए कोई नई बात तो नहीं होगी? अरे कैसी बात कर रही हो, इससे पहले इसने कभी शराब नहीं पी। हो सकता है ये नाटक कर रहे हो, क्योंकि इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कब नाटक कर रहे हैं। अरे मैंने तुम्हें इसे समझाने को बोला, तुम इसे डांट रही हो, इसे डांटना नहीं है प्लीज। I'm sorry, sir. अभी भी सर। चल चल शॉपिंग चलते। आप जाओ ना, मैं वहां पे क्या करूं? मैंने कहा ना चल शॉपिंग। अच्छा दो मिनट तो दो। किस लिए? बाप रे। क्या ना क्या? इसे देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ? विकी ओबरॉय बैंड मास्टर। अरे दूल्हे की पर्सनालिटी देख के तो सूट दो इनको। अब कैसा है? बेटर है। थैंक यू। ये देखिए, ये कैसा लगेगा? प्रेम पर लगा कर देख लो ना। पहनना तो आपको है। अगर इस पे अच्छा लगेगा तो मुझ पे भी अच्छा लगेगा। आप आईने में भी तो देख सकते हैं। सपना, यही तो मेरा आईना है। क्या भाई यार, जाके पहन लो ना। क्या क्या प्लीज। ठीक है।
ट्राई करता हूँ। थैंक यू। लगता है तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि एक मामूली सेक्रेटरी अब मालकिन बन जाएगी। क्या करें, मेरे भाई की चॉइस ही कुछ ऐसी है। लेकिन अब आगे क्या करोगे? अब तो मैं आपके घर आ रही हूँ। जैसे अभी तक बर्दाश्त करते हैं, वैसे आगे भी बर्दाश्त करूंगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ। कोई वक्त नहीं, वरना तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। अपने भाई से कुछ सीखो। कितना फर्क है तुम दोनों में। बहुत फर्क है हम दोनों में, लेकिन एक बात है कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, और अगर तुमने उससे कुछ ऐसी ऐसी बात की तो वह तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, समझी? जानती हूँ, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए उनकी खुशी के लिए मैं तुम्हें भी बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। क्यों भाई, प्रेम की खुशी के लिए क्या करने के लिए तैयार? कह रही है सगाई के दिन गाएंगी। हाँ, मगर इनके साथ। और तू क्या करेगा? अरे मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गाऊंगा नाचूंगा और ये। चलिए चलते हैं। सॉरी। चलो 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 चलो। क्याम क्याम क्याम। अरे अंगूठी अंगूठी। लेडीज जेंट्स, अब भी नहीं बताएगा? क्या बात है विकी, क्या पूछ रहा है इससे? आखिर बेटे बात क्या है? आप इससे पूछिए, ये बताएगा। अब भी नहीं बताएगा? क्या? मैं बताता हूं। प्रेम और सपना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तू क्या सोचता है मुझे नहीं मालूम? उस दिन जब मैं तुझे नशे में लेके आया था। सपना, मेरे भाई से शादी कर ले। I love him too much. मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। क्यों? कुर्बानी दे रहा था। अरे तू कुर्बानी नहीं, तीन जिंदगियां खराब कर रहा था। अपने आप को बहुत बड़ा समझता है तू? अरे नाटे, तू छोटा है और हमेशा छोटा ही रहेगा। और तुम, इससे बदला लेने के लिए तुम मुझसे शादी कर रही थी। कैसे सोच लिया तुमने कि इसका कैरेक्टर खराब है? अगर तुम इससे प्यार करती तो मेरे पास आती, मुझसे पूछती, और मैं तुम्हें बताता कि चांद पे दाग हो सकता है लेकिन मेरे भाई पे दाग कभी नहीं हो सकता। I'm sorry, sir. क्या सॉरी? सॉरी से क्या होगा? और तू अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है। कहता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ तीन एक्टर, एक दिलीप कुमार, एक अमिताभ बच्चन और तीसरा कौन? आप, हाँ? आप भाई क्या? अरे इससे पहले कि मूड चेंज हो जाए, नियत खराब हो जाए, ये पकड़ो, ये लो, पहनाओ 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 मेरे। एक मिनट, तू क्या बोल रहा था इसके बारे में? क्या बोल रहा था? क्या? हाँ, दूध की तरह फटेली है, नाक टेढ़ा है, गिल्ली डंडा है, मामा पे गई है। क्या तुमने ऐसा कहा मेरे बारे में? अब मैं इन्हीं से शादी करूंगी। अरे इधर आओ, शादी तुम इस काले कोट वाले से करोगी? इस जमाने में एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले दो भाई किसी ने देखे? भगवान ने बुरी नजर से बचाना। शादी से पहले हनीमून नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, मामा दहेज में आया है क्या? देखकर नहीं चल सकते, सारी फाइलें गिरा दी मेरी। मैडम ये ऑफिस है, कोई जॉगिंग पार्क नहीं। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये ऑफिस है, आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं जो आप आराम से टहल रहे। वैसे भी मैं नर्वस हूँ, पता नहीं इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। तो आप इंटरव्यू देने आई है? नहीं, ऑफिस में घूमने आई हूँ, ऑब्वियसली इंटरव्यू देने आई हूँ। यू आर सिलेक्टेड। क्या? आई एम विकी ओबेरॉय। I'm sorry, I'm Pooja. Welcome to the office, Pooja. Yeah!